एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन डुओ किफिंग बने आमू को देखते ही पहचान जाते हैं। इस पर आमू भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर की दी गई बॉर्डर को दिखाते हुए सारी बातें बता देती है और कहती है कि एनर्जी ना मिलने की वजह से प्लेनेट डुओ ब्लास्ट हो चुका है। ये सुनकर कैप्टन डुओ परेशान हो जाते हैं। तभी डुओ जिंगजिंग को होश आता है पर वो अब भी अपने फादर की मौत के सदमे में होती है। इस पर आमू और कैप्टन डुओ उसे रस्सियों से बांध कर एक बार फिर से किफिंग को ढूंढने जाने का डिसाइड करते हैं। इधर तियान जियान पैलेस की मेट के साथ बातें कर रही होती है तभी वहां ली आबू बने किफिंग को बेहोश करके लाकर छोड़ जाता है। इस पर तियान जियान खुशी से सबको आबू के मिल जाने के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बताने लगती है। शोर सुनकर किफिंग बने आबू भागते हुए बाहर आती है और बेहोश पड़े किफिंग बने आबू को कैप्टन डुओ के साथ अंदर ले जाती है। अंदर ले जाकर वो दोनों उसे होश मिलाने की काफी कोशिश करते हैं पर उसे होश नहीं आ रहा होता। इस पर कैप्टन डुओ अपने पुराने ट्रिक आजमाते हैं और आबू से फिर से कहते हैं कि वो इस किफिंग का पीछा छोड़कर दूसरी टाइमलाइन में जाकर दूसरा किफिंग ले आए। उनकी ये बात सुनकर किफिंग को तुरंत होश आ जाता है और वो तुरंत उठकर कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इसके बाद दोनों अपनी अपनी बॉडीज दोबारा पाने के लिए अपने ऊपर बहुत सारे सर्वेंट्स और मेट से हमला करवाते हैं पर किफिंग आबू को इस भगदड़ से बचा लेता है जिसकी वजह से वो बॉडी एक्सचेंज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बार कैप्टन डुओ इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं और इस बार वो दोनों को एक लोहे के गेट से बांध देते हैं। इसके बाद ली सूची और तियान जियान को उन पर हमला करने को कहते हैं। इस बार उनका ये तरीका काम कर जाता है और दोनों अपने अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जाकर डुओ जिंगजिंग को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं क्योंकि उसका कहना था कि वो अर्थ प्लैनेट के लोगों को मारकर उस पर अपने प्लैनेट के लोगों को लाकर वहां की क्वीन बनेगी। अब उसे समझाती है पर वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है जिस पर किफिंग उसे उठाकर एक अलमारी में बंद कर देता है। इसके बाद सभी एक साथ मिलकर प्लैनेट डुओ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर अपने असिस्टेंट के साथ टूटी फूटी हालत में पहुँचते हैं तो आबू और कैप्टन डुओ जाकर एक कोने में छुप जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर किफिंग को बताते हैं कि उन्होंने बहुत ढूंढा और उन्हें एल्डर प्रिंसेस कहीं नहीं मिली। इतने में आबू कैप्टन डुओ के साथ वहाँ शाही अंदाज में एंट्री लेती है। उसे इस तरह देख कर प्राइम मिनिस्टर के साथ किफिंग भी हैरान होता है। प्राइम मिनिस्टर अपने प्लैनेट के रूल के अकॉर्डिंग कैप्टन डुओ को दो तीन थप्पड़ जड़ देते हैं। इसके बाद वो आबू की ओर बढ़ते हैं तो आबू उन्हें रोक देती है और कहती है कि मैं हमेशा से पहले से दूर रही हूँ, मुझे इन रॉयल मैनर्स की आदत नहीं है और ये टाइम इन सब कामों में बर्बाद करने का नहीं है, हमें जल्द से जल्द अपने प्लैनेट के लोगों के रहने का इंतजाम करना होगा। वो प्राइम मिनिस्टर से प्लैनेट डुओ को दोबारा से ठीक करने का तरीका पूछती है। इस पर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि प्लैनेट डुओ को दोबारा से बनाने का एक तरीका है। इतना कहकर वो आबू को एम्परर का एक सीक्रेट मैसेज दिखाते हैं जिसमें एम्परर ने बताया होता है कि उन्होंने अर्थ पर एनर्जी का एक सोर्स छुपा रखा है, जो भी उस सोर्स को ढूंढकर एक्टिव करेगा वो प्लैनेट डुओ का एम्परर बन जाएगा। इस पर आबू डिसाइड करती है कि वो उस एनर्जी के सोर्स को ढूंढने जाएगी। इस पर प्राइम मिनिस्टर भी उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करते हैं तो किफिंग उन्हें पहले अपना गेटअप ठीक करने के लिए कहता है। इस पर वो सभी अपने लिए कपड़े लेने चले जाते हैं तो आबू और किफिंग भी बाहर खाना खाने जाते हैं। यहाँ आबू किफिंग से पूछती है कि वो इतने टाइम तक कहाँ गायब था। इस पर किफिंग को ली की कई बातें याद आने लगती है और वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे किफिंग अपनी टीम के साथ ली सूजी से विदा लेता है। अब वो लोग प्लैनेट डुओ को सेव करने वाले एनर्जी के सोर्स को ढूंढने के लिए जा रहे थे। उनके साथ प्लेन क्लॉथ में प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होते हैं जो कि काफी नर्वस और डरे सहमे में खड़े होते हैं। उन्होंने अपने स्कैनर्स को दो ड्राई फिशेज में छुपाया होता है। ली सूची उन्हें देखकर किफिंग से पूछता है कि ये कौन है। आबू उन्हें बताती है कि ये मेरे दूर का कजिन है, कल मुझे ये मार्केट में मिल गया था तो मैं इसे यहाँ अपने साथ ले आई, अब हम सब इनके साथ इनके घर जाएंगे। इतना कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। इधर दोस्त जिंगजिंग खुद ही अलमारी से निकल जाती है। उसे आबू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इधर सभी चलते चलते एक जंगल में पहुंचते हैं।
तभी यहाँ प्राइम मिनिस्टर को एक मैग्नेटिक एनर्जी फील होती है और वो उस तरफ खींचे चले जाते हैं। उन्हें इस तरह तेजी से जाता देख आबो भी किकफिंग के साथ उनके पीछे जाती है। इधर प्राइम मिनिस्टर एक मैजिकल गेट से एंटर कर जाते हैं जहाँ एक खतरनाक पेड़ की डालियाँ उन्हें पकड़ लेती हैं, जिसमें फंस कर वो अपना होश गंवा देते हैं और उन्हें प्रेजेंट सिचुएशन का कुछ भी याद नहीं रह जाता। आबो भी सभी लोगों के साथ वहाँ पहुँचती है। कैप्टन डू और तियान प्राइम मिनिस्टर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो डालियाँ उन्हें भी चकर लेती हैं और वो दोनों भी अपना होश गंवा देते हैं। वो डालियाँ किकफिंग और आबू पर भी हमला करती हैं, पर किकफिंग और आबू दोनों मिलकर उन्हें हरा देते हैं और अपने साथियों को भी छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वो सभी मैजिकल गेट से बाहर आकर फिर से एनर्जी सोर्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर दो जिंगजिंग गेट के पास आकर आबू का इंतजार करने लगती है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। इधर मजिस्ट्रेट स्कॉबैंगर प्रोग्राम को दोबारा से रिस्टोर करके जियाउबा को आबू और उसके साथियों को मारने के लिए भेजता है, जिस पर जियाउबा आकर सभी पर हमला कर देती है। इस पर वो सभी एक बार फिर से उसी मैजिकल गेट के अंदर चले जाते हैं। आबू को वहां से जाता देख दुओ जिंगजिंग एक डंडा लेकर उसकी ओर बढ़ती है, पर उस भगदड़ के दौरान उसका डंडा जियाउबा के सर पर लग जाता है और उसका सिस्टम एक बार फिर से बंद हो जाता है। इसे देखकर मजिस्ट्रेट परेशान हो जाता है। इधर एक बार फिर से उस खतरनाक पेड़ की डाली ने सबको पकड़ लिया होता है, पर किकफिंग उन्हें फिर से छुड़ा लेता है। दुओ जिंगजिंग भी उनके पीछे आती है पर उसे भी पेड़ की डालियां जकड़ लेती हैं। आबू उसे छुड़ाती है, तभी वहां मजिस्ट्रेट एक बार फिर से जियाउबा को ऑन करके भेज देता है। वो आते ही उन पर हमला करने लगती है तो कैप्टन डुओ के सामने आ जाते हैं और उसका नाम पुकारते हैं, जिस पर उसे कैप्टन डो के साथ बिताया टाइम याद आने लगता है और वो रुक जाती है। तभी उसे भी डालियां जकड़ लेती हैं। इतने में दुओ जिंगजिंग एक पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ उसे अपने अंदर खींच लेता है। इस पर आबू और बाकी लोग भी वहां जाते हैं तो सारे लोग उस पेड़ के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उसे एम्परर का एक इल्यूजन दिखता है। वो सभी उनसे एनर्जी के सोर्स के बारे में पूछते हैं तो वो उन सबको ऊपर उड़ता हुआ एक लाल पत्थर दिखाते हैं, जिसे देखकर दुओ जिंगजिंग उसे लेने जाती है पर उसे जोर का झटका जोरों से लगता है, मगर वो इस पर भी हार नहीं मानती। वो दो तीन बार और भी ट्राई करती है पर वो उस पत्थर को नहीं ले पाती। इसके बाद आबू अपने फादर से उस स्टोन को लेने का तरीका पूछती है, इस पर वो कहते हैं कि उस स्टोन को पाने के लिए उन दोनों बहनों को एक साथ मिलकर एक टास्क कम्प्लीट करना पड़ेगा। इस पर किकफिंग उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि ससुर जी, मैं आपका दामाद हूँ और मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने प्लैनेट के लोगों को सेव करना चाहिए, इसलिए आप प्लीज एनर्जी के सोर्स को लेने का तरीका बता दीजिए। इस पर एम्परर कहते हैं कि दामाद जी, मुझे भी ये पता है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ आपस में मिलजुल कर रहें, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों बहनों को एक एक स्पीच थमाते हैं जो कि आपस में ही उन दोनों को ही डेडिकेटेड होती है। वो दोनों प्यार भरे लफ्जों को भी एक दूसरे से नफरत से कह रही होती हैं, जिसे देखकर एम्परर परेशान हो जाते हैं और स्टेज पर जाकर कहते हैं कि अगर वो दोनों ऐसे ही करेंगी तो उन्हें एनर्जी का सोर्स कभी भी नहीं मिलेगा। इस पर दुओ जिंगजिंग को गुस्सा आता है और वो उन्हें ब्लेम करती हुई कहती है कि उन्होंने कभी भी उसे एक फादर की तरह टाइम नहीं दिया, ना ही कभी उन्होंने बताया कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है, फिर आज वो उसे प्यार दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं। तभी आबू भी आगे आती है और उन्हें अपनी ईंट से मारकर बेहोश कर देती है और अपनी बहन का हाथ पकड़कर एनर्जी के रेड स्टोन के पास जाती है। वो दोनों एक साथ उस स्टोन को पकड़ती हैं तो वो उन दोनों के हाथ में आ जाता है। ये देखकर वो दोनों हैरान होती हैं और उनके फादर खुश होते हैं। इसके बाद आबू उनसे वहां से निकलने का रास्ता पूछती है तो वो उसे ठीक तरह से कोई जवाब नहीं देते। इस पर वो दोनों बहनें मिलकर उन्हें पीट देती हैं। इतने में बाहर का डोर ओपन होता है और वो सभी अचानक से बाहर चले जाते हैं। बाहर जियाउबा पहले से उनका वेट कर रही होती है और उनके आते ही वो उन पर हमला कर देती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।